कि जिसको माफ ही नहीं किया जा सकता, और सिर्फ अहम के चक्कर में, गुस्से के चक्कर में, या बहुत ज्यादा आपने ईगोइस्ट होने के चक्कर में आपने छोटी बातों को बड़ा कर दिया है, तिल का पहाड़ बना दिया है, तो हाँ वहां पर मेडिएशन होनी चाहिए। आप सभी ने एक बात महसूस की होगी कि जब आपका केस मेडिएशन सेंटर में पहुंचता है, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव है, उन मनमुटावों को दूर करने के लिए सारी संभावनाओं का तलाश कर लिया जाए, सिर्फ यही वजह होती है कि आपका केस मेडिएशन सेंटर में भेजा जाता है। लेकिन मेडिएशन सेंटर में भी बात करते समय, कोई भी सेंटेंस यूज करते समय, कोई भी अपनी भावभंगिमा देते समय, या कोई भी आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे दूसरे पक्ष को ये प्रतीत हो कि आप सिर्फ और सिर्फ उनका मजाक उड़ाने के लिए या मेडिएशन सेंटर का सिर्फ मिसयूज करने के लिए मेडिएशन सेंटर में पहुंचे हैं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ इन छोटी छोटी बातों पर चर्चा करूंगी कि अगर आपका केस मेडिएशन सेंटर में पहुंचा है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके केस में एक एमिकेबल सेटलमेंट की संभावना बन सके। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपका केस किसी भी एक कोर्ट में पेंडिंग है, जज साहब ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर लिया है, वो ये सोच रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से आप दोनों पक्षों के बीच में जो छोटी मोटी बातें हैं उनको सुलझाया जा सके, और आपको एक एमिकेबल सेटलमेंट यानी कि आपसी समझौते के बाद आपको एक नई दिशा दी जाए आपके जीवन को, क्योंकि आपका जीवन दिशाहीन हो चुका है। बहुत बार, बल्कि मैं कहूंगी अक्सर, मैंने ये महसूस किया है कि हर एक केस में जब भी उसे मेडिएशन का बात की जाती है, मेडिएशन में रेफर करने की बात कही जाती है, तो कहीं ना कहीं संदेह दोनों पार्टीज के पास आता है। वो कहते हैं कि मुझे मेडिएशन सेंटर में नहीं जाना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि मेडिएशन सेंटर में किसी भी तरह की फोर्स नहीं होती, किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं होती, किसी तरह का कोई लालच नहीं होता, किसी तरह का कोई दबाव नहीं दिया जाता। सिर्फ और सिर्फ उन बातों पर ही बात की जाती है जो वाकई में आप दोनों की तरफ से ही बातें उठ रही हैं। अब आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब आपका केस 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक चलता है किसी भी कोर्ट्स में, तो आप लास्ट मोमेंट पे आकर के, अगर कहीं कोई गंभीर परेशानी नहीं है, बहुत ज्यादा मारपीट नहीं है, अननेचुरल कोई इस तरह की हरकतें नहीं है कि जिसको माफ ही नहीं किया जा सकता, और सिर्फ अहम के चक्कर में, गुस्से के चक्कर में, या बहुत ज्यादा आपने ईगोइस्ट होने के चक्कर में आपने छोटी बातों को बड़ा कर दिया है, तिल का पहाड़ बना दिया है, तो हाँ वहां पर मेडिएशन होनी चाहिए और होती भी है। वो चाहे फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर हो, या आपके 4 5 6 साल बर्बाद करने के बाद ही क्यों ना हो, लेकिन मेडिएशन सेंटर में आपको पहुंचने के बाद बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप मेडिएशन सेंटर में आए हैं तो सबसे पहले तो आपका दिल साफ होना चाहिए। आप अपने दिमाग से मेरिट्स को निकाल दें, उन सब चीज़ों को निकाल दें जिसकी वजह से आप कोर्ट में आए हैं, क्योंकि अगर आप मेडिएशन सेंटर में भी एक दूसरे के ऊपर लांछन ही लगाते रहेंगे, तो यकीन मानिएगा किसी भी हालत में आपके केस में सेटलमेंट नहीं हो पाएगी, और फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और जब भी आपको मीडिएटर साहब ये बात कहते हैं कि क्योंकि आपके केस में सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, तो मैं इसको बैक टू द कोर्ट भेज रहा हूं, तो वहीं पर आप कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी, मैंने तो सेटलमेंट चाहिए, मुझे तो हर हालत में सेटलमेंट चाहिए, लेकिन वो ऑप्शंस आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, आप अपने दिल की असली बात नहीं बताना चाहते, आप उन सब चीजों में अड़े रहते हैं जो कि मेरिट की बातें हैं जो कोर्ट में होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको मेडिएशन में इस बात पर सोचना समझना होगा कि मेडिएशन का मतलब ये है कि आपको आपसी विवाद को भुला करके और किसी तरह से जो आपकी जिंदगी दिशाहीन हो गई है उसको एक दिशा देनी है। अब मैं आपको आज ही का एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ
क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मैं मीडिएटर हूं, तो आज मैं मीडिएशन सेंटर में बैठी हुई थी और कुछ लोग मेरे सामने आए। उसमें से एक पक्ष था लड़की पक्ष और एक पक्ष था लड़का पक्ष। ये उन दोनों की दूसरी मीडिएशन की डेट थी जो कि मेरे सामने बैठे हुए थे। अब यहाँ पर बात जो अटकी थी वो सिर्फ पैसे को लेकर के अटकी थी, क्योंकि लड़की बार बार इस बात को कह रही थी कि उसको साथ रहना है, लेकिन वो अपने किसी भी लांछन से पीछे नहीं हटना चाह रही थी। वो ये भी कह रही थी कि इसने मुझे ऐसे मारा, यानी कि पति ने ऐसे मारा, इस तरह से प्रयास किया, मुझे फ्रूटी में मिला करके इन्होंने कुछ गलत चीज पिलाने की कोशिश की, मुझे तो अपनी जान की भी लाले पड़े हुए, जान भी बचा करके मैं आई हूँ। उससे बार बार मैंने ये बात पूछी कि अगर आपको अपनी जान की भी चिंता है, आपको ये लगता है कि आपकी जान पर आन पड़ी है और आप शायद अब वहां से वापस जिंदा नहीं आएंगी, तो फिर आप क्यों जाना चाहती हैं? तो उनका एक ही कहना था कि क्योंकि उनके पास एक छोटी सी बिटिया है, तो उस बिटिया की वजह से वो वहां पर जाना चाहती हैं। और जब उनसे ये बात पूछी गई कि आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, ससुराल में रहना चाहेंगी, या जैसा कि उसके पति ने पिछली तारीख पर ये कह दिया था कि वो किराए के घर पे लेकर के जाना चाहती हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किराए के घर पर किसी भी हालत में नहीं जाएंगी, वो अगर जाएंगी तो ससुराल में ही जाएंगी। एक बार वो ये कहती हैं कि जहां पर वो अपने पति के साथ रह रही थी उस ससुराल में कोई भी नहीं रहता, वो खाली पड़ा हुआ है। लेकिन जब थोड़ी देर तक बातचीत होती रही, होते 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 वो लड़की ने थोड़ी देर में ये कहा कि वहां पर उसकी नंदे रहती हैं, और उससे थोड़ी देर पहले ही उसने ये कहा था कि उसकी नंदों ने उसकी जिंदगी नरक बना रखी है। तो अगर वो नंदे वहीं पर उसी घर में रहती हैं और वो फिर भी जिद करती है कि वो उसको उसी घर में जाना है जहां पर नंदे रहती हैं, तो कहीं ना कहीं बातों में झोल है। या तो वो ये गलत बोल रही है कि उसकी नंदों ने उसका जीवन नरक बना रखा है, या वो कुछ और ही सोच रही है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। खैर एनीवेज, दोनों पक्षों के बीच में जब कोई भी सेटलमेंट नहीं हो पाई है तो लास्ट में बात आन पड़ती है कि अब एमिकेबल सेटलमेंट से आप म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लड़की की डिमांड आती है कि 40 लाख रुपया उसको चाहिए, और उधर से जब लड़के से पूछा जाता है तो वो कहता है कि हद से हद 2-2.5 और मैक्सिमम 3 तक वो कर सकता है। और अगर 3 लाख रुपया एक तरफ और 40 लाख एक तरफ हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी सेटलमेंट होने की संभावना है। खैर जब तू तू मैं होती रही, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया गया और एक्सचेंज किए गए इन दोनों के जो भी उन्होंने प्रपोजल्स रखे थे, लेकिन जब किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं आई तो उनको समझाने की मैंने भी बहुत कोशिश की बींग अ मीडिएटर, कि अगर आपने वाकई में ये केस सुलझाना है तो आप कहीं ना कहीं ऐसे एक रकम पर आइए, लड़का भी और लड़की भी, जिससे वाकई में आपके मन की मंशा सामने आए कि हाँ आप वाकई में इस केस को सुलझाना चाहते हैं, बल्कि उलझाना नहीं चाहते। खैर किसी तरह से अंत तक आते आते उनके बीच में जब समझौता नहीं हो पाया तो दोनों की तरफ से जलते हुए तीर आने शुरू हो गए। बहुत हैरानी इस बात की हुई कि लड़की के वकील ने ये कह दिया कि कोई बात नहीं, अभी तक तो 40 लाख ही मांग रहे थे ना, अब देखना 50 भी तू देगा। बात बिगड़ गई। अब इधर से लड़के के पिताजी ने ये कहा कि तुम बिना बात में लेकर के तुमने 2 लाख तो तुमने लगाया नहीं, और तुम आज मांग रही हो 40 लाख, तुमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पर नजर है। हालांकि उनको बहुत समझाया गया था कि आप शांति से रहें, लेकिन अंत वही हुआ जो नहीं होना था। उन दोनों के बीच में मार पिटाई हुई, झगड़ा हुआ, और वो जो केस था वो और ज्यादा वर्स्ट हो गया। तो यही बात है, यही वजह है कि मैं अक्सर आप सभी लोगों को एक ही बात समझाया करती हूँ कि प्लीज मीडिएशन सेंटर में जब आए तो आप एक दूसरे के ऊपर लांछन ना लगाएं, एक दूसरे के साथ गाली गलौच ना करें, एक दूसरे के साथ जो है बिना बात में बहस ना करें, बल्कि उन संभावनाओं को तलाश करने की कोशिश करें कि जिसकी वजह से आपकी दिशाहीन जिंदगी को किसी तरह की दिशा मिल जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर आपका केस मीडिएशन सेंटर में पहुंच गया है तो प्लीज फेथ रखिए मीडिएशन सेंटर के ऊपर। मीडिएटर साहब आपको जिन जिन बातों के बारे में बता रहे हैं उन चीजों को अच्छी तरह से सुनिए, परखिए, और उसके बाद आगे चलने की कोशिश कीजिए। और यकीन कीजिए कि आपके केस में बहुत जल्द
बहुत बढ़िया एक रिजल्ट आएगा और आपका जो दिशाहीन जिंदगी है उसको एक दिशा भी मिल जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।